महादेव चौधरी ने हाँ महीर मनीष किट्टू 10:30 हो गए हैं। हाँ जी हो गए हैं। कुलदीप धाकड़ कैसे हैं आप लोग? और दोस्तों आज का ये वीडियो आपको सीईटी के अंदर 16 नंबर जरूर दिलाएगा, क्योंकि आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एवी एड और जौहरी विंडो। साथ ही साथ मैं इसको आपके बहुत ब्यूटीफुल नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड करवाऊंगा, एक तरफ मेरे लिखे हुए नोट्स और एक तरफ से जो एक स्लाइड है जिससे मैंने नोट्स बनाए थे वो भी, उसमें कुछ पिक्चर प्रेजेंटेशन भी है ताकि आपको ये टॉपिक है वो इजीली समझ में आ जाएगा। अगर एक बार मेरी आवाज़ सबको आ रही हो तो सभी लोग एक बार हाई कर दो और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को कुछ इंस्ट्रक्शंस के साथ में। धीरे धीरे सारे लोग जुड़ चुके हैं। और गाइज आपको ये एक चीज़ मैं सबको बता दूं, हाय रोहित, कि अगर आप इस वीडियो को इस लेक्चर के बाद में इस लाइव के बाद में देखते हो तो आप इस वीडियो को 1.25 या फिर 1.3 या 1.5x पे चला करके देख सकते हो, ताकि आपको थोड़ा सा ब्यूटीफुली इसको समझ में आ जाएगा। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम टाइम बचा है, तो गाइज अपन चलिए ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। थोड़ा सा ये टॉपिक बड़ा रहेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तो अच्छे से आप पढ़ते रहिए। चलिए बहुत ही अच्छा हूँ। और हाय सारे ही लोग जो भी आए हैं, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। हम बिल्कुल ही एक भाई साधारण तरीके से इस चीज़ों को समझेंगे। और जौहरी विंडो का सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, 4 या 8 नंबर में ये आता है एग्जाम में। देखिए समझते हैं गाइस, देखिए पहले हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि इस टॉपिक का नाम क्या है, फिर अपन वन बाय वन इस पे आते हैं। देखिए होता क्या है गाइस, कई बार हम बैठे रहते हैं अपने दोस्त के आसपास, तो देखिए कुछ चीज़ें होती है जो मैं जानता हूँ और मेरा दोस्त भी मेरे बारे में जानता है, कुछ चीज़ें होती है जो सिर्फ मैं जानता हूँ मेरे बारे में, मेरा दोस्त वो चीज़ें नहीं जानता है। कुछ मेरे अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज होती है जो मैं नहीं जानता मगर मेरा दोस्त जानता है कि भाई इसके अंदर ये खासियत है। और कुछ ऐसी चीज़ भी होती है, अंदर छुपा हुआ कुछ हिडन टैलेंट भी होता है जो ना मैं जानता हूँ ना मेरा दोस्त जानता है। अगर आप इस 4 सिचुएशन को समझ गए तो जौहरी विंडो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखिए समझिए क्या बोला मैंने, कुछ भाई आप अपने दोस्त के साथ बैठे रहते हो, कुछ चीज़ें होती है जो मैं मेरे बारे में भी जानता हूँ और मेरा दोस्त भी मेरे बारे में जानता है, कुछ चीज़ें होती है जो मैं जानता हूँ मेरा दोस्त नहीं जानता, कुछ चीज़ें होती है जो मेरा दोस्त जानता है मगर मैं नहीं जानता, और कुछ चीज़ें होती है जो हम दोनों नहीं जानते हैं। और इस प्रकार के मॉडल को हम अप्लाई करते हैं, इसी को ही हम समराइज करके बोले तो वो जौहरी विंडो है। अब अपन इसको समझते हैं गाइज अपने इस पूरे सिस्टम से, ठीक है। एक बार ये क्रिएटिव थिंग्स क्या बोलते हैं, बॉस फॉर्म भरते टाइम फोटो और साइन की जगह कुछ डिफरेंट फोटो अपलोड हो रखी है तो ऑटोमेटिक, और वो चेंज भी नहीं हो रही है, क्या साइट सर्वर ठीक नहीं चल रहा है? यार इसका कोई आइडिया नहीं है, आप एक बार कॉलेज में जाकर के करेक्शन करवा लो अगर दिक्कत आ रही है तो। बार बार अपने फॉर्म को रीओपन करके देखो, अगर फिर से वही फोटो आ रही है तो फिर हो सकता है दिक्कत हो, है ना? तो ये है, बाकी एक दिन बाद ट्राई कर लेना। बाकी हेलो माही, सुनीता, अमिता चौधरी, आप सबकी बहुत बहुत वेलकम है, ठीक है। सबस्टांस एब्यूजर के एग्जाम फॉर्म में अभी CID नहीं आ रही है, ट्राई करते रहिएगा इस, थोड़ा अभी सर्वर डाउन है तो उस वजह से भी है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और अब मैं किसी की भी बातें हैं वो नहीं सुन पाऊंगा क्योंकि मुझे टोटली कंसंट्रेट करना होगा आपको पढ़ाने के ऊपर। तो देखिए जौहरी विंडो एक ऐसा मॉडल होता है जहाँ पे हम किसी के साथ बैठ करके ओपन होते हैं, हम किसी के साथ बैठ करके बातचीत करते हैं, जैसे मान लीजिए, और जिसमें हम बात करते हैं सेल्फ डिस्क्लोजर की, मतलब अपनी एक दूसरे की बातें समझने की, सोशली सिटेशन की। सोशली सिटेशन का मतलब होता है सोशलाइज होना दूसरे के साथ, और हम फीडबैक लेते हैं और साथ ही साथ हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। इस इंट्रोडक्शन को आप छोड़िए, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, आप सीधा चलिए इंट्रोडक्शन में आप लिखिएगा जौहरी विंडो मॉडल है वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जोसेफ लुफ्ट और हैरी इंगम ने बनाया था, और इन्हीं के दोनों को नामों को मिला करके ये जौहरी बना है। जैसे आप देख लीजिए जोसेफ लुफ्ट का जो और हैरी इंगम का हैरी, इन दोनों के आगे के नाम को लेकर के ये जौहरी विंडो है इसका नाम आया है। ये 1955 में बना था। इन्होंने क्या है कि ग्रुप डायनेमिक पे काम कर रहे थे, कल ही हमने ये ग्रुप डायनेमिक टॉपिक पढ़ा है, और कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी है लॉस एंजल्स में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और लॉस एंजल्स में ये काम कर रहे थे, तब इन्होंने ये मॉडल बनाया था। अब ये मॉडल पहली बार पब्लिश हुआ था, उसके बाद अपन को नहीं करनी है, बस इतना सा लिख देना है कि जोसेफ लुफ्ट और हैरी इंगम ने इस मॉडल को बनाया था। अब देखिए लुफ्ट और इंगम ने जौहरी विंडो इसलिए बोला क्योंकि इनके जो आगे के नाम है जोई एंड हरी, इनको अगर आप मिलाते हो तो जौहरी बन जाता है, ठीक है।
आगे देखिए डेफिनेशन पे आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इंट्रोडक्शन में ओनली फॉर ये लिख देना है कि ये मॉडल किसने दिया है। डेफिनेशन में ये लिखना है कि जो जोहार विंडो मॉडल है एक सिंपल और यूजफुल टूल है। ये एक तरह का टूल है, पहली बात तो ये भाई टूल का मतलब होता है जो कुछ ना कुछ चीज है हमें मेजर करके देखा। टूल फॉर इलस्ट्रेटिंग, क्या मेजर करेगा ये? इलस्ट्रेटिंग एंड सेल्फ इम्प्रूविंग सेल्फ अवेयरनेस, मतलब खुद के बारे में। देखिए क्या होगा, अभी जब हम इस मॉडल को पढ़ेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा कि जब हम अपने अंदर की कैपेबिलिटीज है वो कैसे पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे साथ मेरा एक दोस्त बैठा है, कुछ ऐसी बातें उसकी है जो मैं उसके बारे में जानता हूँ, ठीक है, कुछ उसकी बातें हैं जो वो खुद जानता है मतलब मैं नहीं जानता। तो उन चीज़ों को उसके प्रति सेल्फ अवेयर होना, सेल्फ अवेयर होना, खुद के प्रति जागरूक होना, उसका ये उसको इम्प्रूव करने का ये मॉडल होता है। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाता है। अब देखिए आप सीधा समानिए, दो लोग हैं, दोस्त हैं, आप आसपास बैठे हैं, अगर वो ऐसी बातें करेंगे जिनसे भाई वो एक दूसरे की समझ बढ़ा सके। जैसे मान लीजिए मैं अपने दोस्त के साथ अपना दुख शेयर करता हूँ जो वो नहीं जानता मगर मैं जानता हूँ, ठीक है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। या फिर वो अपना दुख है वो मेरे साथ शेयर करता है जो वो जानता है मैं नहीं जानता हूँ, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो मेरे इस एग्जाम्पल से आपको ईजिली समझ में आ गया होगा, जोहारी विंडो मॉडल एक सिंपल और यूजफुल टूल है। यूजफुल टूल है ये, इलस्ट्रेटिंग करता है और इम्प्रूव करता है सेल्फ अवेयरनेस को। इलस्ट्रेटिंग का मतलब होता है उजाला करना उसमें, ठीक है, और इम्प्रूव करना मतलब बढ़ाना सेल्फ अवेयरनेस को। एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किस किस को बढ़ाता है? सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। कहाँ पे बढ़ाता है? एक विद इन ए ग्रुप। अब देखिए ये जो जोहारी विंडो मॉडल है ये आप एसेस कर सकते, इसको आप यूज कर सकते हो एसेसमेंट में और इम्प्रूव में ग्रोथ, जो ग्रुप के रिलेशनशिप होते हैं दूसरे ग्रुप के साथ। वो मान लीजिए कि आपका अपना एक फ्रेंड्स का ग्रुप है और एक किसी दूसरे फ्रेंड्स का ग्रुप है, ठीक है। अब आपके फ्रेंड, आपके ग्रुप का एक जो दोस्त है, अगर वो दूसरे किसी ग्रुप के दोस्त की बातें जानता है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि जो हमारा दोस्त है वो किसी और का भी दोस्त है, ठीक है। इसलिए ये जो इम्प्रूव्ड रिलेशंस है ये हमें पता चल लग जाते हैं। और इसी तरह से ये जोहारी विंडो है ये भी यही पता लगाता है कि जो दूसरे आपसी ग्रुप हैं उनके अंदर किस प्रकार के रिलेशन है वो है। आगे देखिए इन्फ्लुएंस करता है। टुडे द जोहारी विंडो मॉडल इज द स्पेशली रिलेवेंट ड्यू टू मॉडर्न एम्फेसिस ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स बिहेवियर एम्पैथी कोऑपरेशन। देखिए क्या होता है कि हमने कल ही पढ़ा था कि एक ग्रुप के अंदर सबसे जो मेन चीज होती है वो ये होती है कोऑपरेशन करना, एम्पैथी करना, एक दूसरे का सपोर्ट करना, एक अच्छा बिहेवियर बना करके रखना, एक इंटर ग्रुप डेवलपमेंट की तरह या इंटरपर्सनल डेवलपमेंट की तरह ग्रुप का होना। तो इन सारी चीज़ों को अच्छा करने के लिए अगर हम एक टूल माने, एक टूल का उपयोग करें जो ये मेजर करेगा कि कितनी अच्छी सॉफ्ट स्किल्स, बिहेवियर, एम्पैथी, कोऑपरेशन, इंटर ग्रुप डेवलपमेंट और इंटरपर्सनल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हैं, तो उनका या उनके इन्फ्लुएंस के बारे में पता लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए यूज ऑफ जोहारी विंडो, जोहारी विंडो का यूज क्या होता है? मान लीजिए सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन से ही ये शब्द उठा करके लिख देना है, अंडरस्टैंडिंग और ट्रेनिंग ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, खुद के प्रति जागरूक बनाना लोगों को। अगला क्या होता है? पर्सनल डेवलपमेंट, खुद का डेवलपमेंट करवाना। कम्युनिकेशन इंप्रूव करना, जितना ज़्यादा आप किसी से आए एक दूसरे की आपसी बातें शेयर करोगे, सुख दुख शेयर करोगे तो आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा। इंटरपर्सनल रिलेशन से वो बनेंगे, ग्रुप डायनेमिक्स बनेगा, मतलब कि जो फोर्स है ग्रुप के अंदर के वो हमें समझ में आएंगे। टीम डेवलपमेंट होगा, हमें एक भाई बड़े ही प्यारे टीम है उसमें डेवलप्ड होंगे, और इंटर ग्रुप रिलेशंस है वो बनेंगे। आगे देखिए, अच्छा ये जो आज 11 मई की मैंने बात बताई है आपको, क्लियरली मैं बस इतना सा बता दूं, हमारी क्लास की दो लड़कियां आज यूनिवर्सिटी में गई थी, उन्होंने बात की, उनका कुछ काम था फॉर्म से रिलेटेड तो गई थी, साथ ही साथ अब देखिए एसोसिएटेड कॉलेज है तो हम क्या मुंह उठा के चल देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो गई और उन्होंने बात की सर से। शिव सर काफ़ी फ्रेंकली बात करते हैं आरयूएचएस वालों से, तो स्पेशली, तो क्योंकि पता है यही है जो कल को आकर के प्रोटेस्ट धरना वरना दे देंगे, तो फिर क्या है कि भाई वहाँ पे उन्होंने बात की थी और उनसे हमें भाई उन्होंने बस शिव सर ने इतना बताया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम हो जाए, और हमारा तो प्लान इस 11 मई से ही करने का है। तो लड़कियों ने बोला सर ऐसा तो कैसे पॉसिबल है वैसे, तो कहा कि हम कैसे ही करके सेकेंड वीक ऑफ मई तक तो एग्ज़ाम करवा देंगे, हालांकि हमारी तैयारी नहीं है लेकिन हम नहीं चाहते कि ये ज़्यादा लेट हो, क्योंकि ऑलरेडी सेमेस्टर के बच्चे भी आए हैं, उनके एग्ज़ाम है वो भी करवाने हैं,
तो इस हिसाब से हम थोड़ा सा इस एग्ज़ाम की प्रोसेस को फास्ट करने की कोशिश करेंगे। और मेरा ये मैसेज आपको बताने का पर्पज़ बस इतना सा है कि अगर कोई 15 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख तक की प्लानिंग लेकर के बैठा है तो थोड़ा सा इस अंधेरे में मत रहना। आप तैयारी अच्छे से अभी करते रहना, चाहे एग्ज़ाम कल हो परसों हो, आपको उस हिसाब से प्रिपेयर रहना है, ठीक है? क्योंकि जब आपकी तैयारी, अब मान लीजिए कल को भाई एडमिट कार्ड आ गया और 11, 12, 15 तारीख से एग्ज़ाम हुई और आप लेकर के बैठे हो 30 तारीख, तो एक बार तो भाई आपको फिर शौक लग जाएगा, वो बात है। अब देखिए, व्हाट एक्चुअली मॉडल रिप्रेजेंट है, ये अपना जो जोहारी विंडो मॉडल है ये एक्चुअल में क्या प्रेजेंट करता है? तो जोहारी विंडो मॉडल है वो ये डिस्क्लोजर करता है या फीडबैक देता है, इसे इसलिए हम डिस्क्लोजर या फीडबैक मॉडल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस भी बोलते हैं। मतलब ये खुद के प्रति जो जागरूकता है उसको बताता है, उसको डिस्क्लोज करता है, एंड बाय सम पीपल एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है? मतलब एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टूल की तरह काम करता है, मतलब कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। जैसे मान लीजिए मैं मेरे दोस्त के साथ बैठा हूँ तो वो मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन बताएगा, तभी तो हमारे रिलेशन में वो अच्छे बनेंगे। तो जो ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग टूल है वो हो गया, और वो अपने राज डिस्क्लोज करेगा, वो मुझे कुछ फीडबैक देगा, और मैं अपने प्रति कुछ सेल्फ अवेयर होऊंगा कि 10 लोग मुझे बोल रहे हैं कि अजी पवन भाई आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो, अब बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मुझे तो मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ कि मेरी वजह से आधे तो सो जाते होंगे, इसलिए कुछ लोग चाय बेचते हैं या कुछ चाय भेजते हैं भाई इमोजी में के भाई, या तो मुझे लगता है कि वो टोंट कस के चाय भेजते हैं या फिर कैसे ही, तो वो बात है। तो द जोहारी विंडो मॉडल है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन को, फीलिंग्स को, एक्सपीरियंस को, व्यूज को, एटीट्यूड को, स्किल को, इंटेंशन को, मोटिवेशन को। मतलब जब मेरा दोस्त मेरे पास बैठा है वो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन बताएगा, अपनी भावनाएं बताएगा कि भाई मेरे साथ ये हुआ, मेरा दुख ये है, उसने मेरे साथ धोखा दिया, अपने व्यू बताएगा, दृष्टिकोण बताएगा कि पवन तू मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आगे जैसे एटीट्यूड्स बताएगा कि भाई मैं इस तरीके से सोचता हूँ इस चीज़ को कि नर्सिंग प्रोफेशन में तो हमें इतना बड़ा होना चाहिए, ये होना चाहिए। कुछ अपने स्किल्स बताएगा कि देखिए आज मैंने नैनों से तीर चलाने सीखे, ये स्किल्स सीखी, या इंटेंशंस बताएगा मतलब कि मैं तो सोचता हूँ कि तेरा कत्ल कर दूँ। अगली बात है मोटिवेशन बताएगा कि भाई तू है ना ऐसे डिप्रेशन में मत रहा कर, सारे दिन तेरे सिर पे मुझे ओमेगा साइन दिखता रहता है ना, तो ऐसे डिप्रेशन में मत रहा कर, तू हंसते खेलते रहा कर, या मोटिवेशन देगा। तो ये विद इन और अबाउट ए पर्सन, या तो वो आसपास में बातें करेंगे या फिर किसी तीसरे की बात करेंगे। इन रिलेशन टू द ग्रुप फ्रॉम 4 पर्सपेक्टिव्स, यहाँ पे 4 पर्सपेक्टिव्स होंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो एरिया या मॉडल है ये 4 चीजों पे टिका हुआ है, अभी हम इन 4 चीजों को पढ़ेंगे। देखिए ये लाइन पढ़ लेता हूँ सिंपली, ठीक है? इसके बाद में एक जो टेबल आएगी वो हमें पढ़नी है। तो द 4 जोहारी विंडो पर्सपेक्टिव्स आर कॉल्ड रीजन्स और एरियाज और क्वाड्रेंट्स। मतलब हमारे पास यहाँ पे 4 रीजन है या 4 एरिया है, 4 एरिया है, इन 4 एरिया को हम पढ़ेंगे जो इन सब की जानकारी हमें देंगे। भाई फरवरी से पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ नहीं आता, एग्जाम में आएगा गारंटी है, ठीक है? अब देखिए 4 एरिया कौन कौन से होते हैं, ओपन या फ्री एरिया, ब्लाइंड एरिया, हिडन एरिया, अननोन एरिया। अब देखिए ओपन एरिया वो एरिया होता है, ऐसा एरिया मतलब मान लीजिए कुछ चीज़ें होती है मैं और मेरा दोस्त दोनों ही, हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं ये ऐसा है ये ऐसा है, तो वो होता है ओपन एरिया कि भाई मेरे लिए भी नॉन है उसके लिए भी नॉन है। एक होता है ब्लाइंड एरिया, मतलब जो मेरे लिए अननोन है, मैं नहीं जानता मगर मेरा दोस्त मेरे बारे में जानता है, मेरा दोस्त मेरे बारे में जानता है ये एक नंबर का गधा है, मतलब मैं नहीं जानता। हिडन एरिया वो एरिया होता है जो छुपा हुआ है, मेरे से भी छुपा है दोस्त से भी छुपा है, ठीक है? मतलब हिडन एरिया मतलब सॉरी मैंने गलत बताया, ये अननोन एरिया था। हिडन एरिया का मतलब होता है जो मुझे नहीं पता है लेकिन सॉरी मुझे पता है लेकिन दूसरों को नहीं पता है, ठीक है? वो हिडन हाइड हो गया है, ठीक है? और अननोन एरिया जो न मैं जानता हूँ न वो जानता है। इन्हीं को एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखा है कि वॉट इज हिमांशु प्रजापति बार बार लिख रहा है कि फोर्स फार्मा में शुरू से ही लाइन डाल के लिख। अरे यार हिमांशु कल भी तुम्हें क्लास में बताया था कि तुम्हारा एक पेज है और इस पेज पे अगर तुम सेपरेशन कर देते हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है? कर सकते हो। एस गुंडा एग्जाम कब से होंगे, 15 मई के आसपास सर। अब देखिए आगे कितने लोग हैं, अभी 25 लोग हैं। अच्छा 41 लोगों ने तो हाँ भरा था कि जोहारी विंडो और ये पढ़ा दो, और यहाँ पे 25 लोग है ना, कैसे कैसे लोग हैं।
थर्ड ईयर के कब से होंगे? थर्ड ईयर के थोड़े से लेट होंगे आप, मई एंड, 28-29 मई के आसपास तारीख मानो। वो डिपेंड करता है शुरू कब होते हैं, है ना। जब सबके खत्म हो जाएंगे ना, सेकेंड ईयर फोर्थ ईयर के, तब थर्ड ईयर के शुरू होंगे। ठीक है, क्या आपके एग्जाम फॉर्म में ABCID है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? यस सर, मेरे एग्जाम फॉर्म में ABCID है। जोहारी विंडो के फोर क्वाड्रेंट है, इनके चारों एरिया देख लीजिए, ओपन एरिया, ओपन सेल्फ, फ्री एरिया, ठीक है, फ्री सेल्फ और द एरेना। ठीक है, अब आप इनको मतलब समझिए। व्हाट इज नाउन बाई द पर्सन अबाउट हिम हर सेल्फ इज ऑल्सो नाउन बाई अदर। जो मैं भी जानता हूँ मेरे बारे में और लोग भी जानते हैं, इसे ओपन एरिया भी बोलते हैं, या ओपन सेल्फ एरिया भी बोलते हैं, या फ्री एरिया भी बोलते हैं, या फ्री सेल्फ एरिया भी बोलते हैं, या द एरेना भी बोलते हैं। ठीक है, और आगे देखिए, व्हाट इज नाउन बाय द पर्सन अबाउट हिम, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो अननाउन बाय द पर्सन अबाउट हिम, मेरे बारे में मैं नहीं जानता लेकिन लोग जानते हैं। ब्लाइंड एरिया, ब्लाइंड सेल्फ, या ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं। मतलब मैं अंधा हो चुका हूं, मैं अपने आप को नहीं पहचानता, मैं कौन हूं, ठीक है, मैं नहीं जानता, मैं गधा हूं, लेकिन लोग जानते हैं। ठीक है, इस डायलॉग से आप याद रखो, और एग्जाम में ये बात मत लिख के आ जाना। व्हाट द पर्सन नोज अबाउट हिम तीसरा एरिया है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। व्हाट द पर्सन नोज अबाउट हिम या हर सेल्फ दैट अदर्स डोंट नो, मैं जो मेरे बारे में जानता हूँ लेकिन लोग नहीं जानते हैं। यही एक तो हिडन एरिया होता है, अनकॉन्शियस एरिया होता है। अब क्या है कि हम सब यही जानना चाहते हैं, सही बताऊँ ना, तो हम भाई भाई यही तो जानना चाहते हैं कि लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में। जैसे मैं आपके साथ पर्सनली 10 मिनट 15 मिनट बैठूं, फिर मैं यही सोचूंगा यार आप मेरे दोस्त हो, तो मैं कहीं ना कहीं ये जानना चाहूंगा कि आप मेरे बारे में क्या नजरिया रखते हो, क्या सोचते हो। तो हिडन एरिया, ठीक है, कि भाई जो द पर्सन नोज अबाउट हिम हरसेल्फ दैट डू नॉट नो। ठीक है, देन अगला होता है व्हाट इज नोन बाय द पर्सन अबाउट हिम या हरसेल्फ एंड इज ऑल्सो अननाउन बाय अदर्स। मतलब अननाउन मेरे लिए भी है और दूसरे के लिए भी है, तो उसे हम अननाउन एरिया या अननाउन सेल्फ एरिया बोल देते हैं। ठीक है, ये जो जो क्वाड्रेंट फर्स्ट है, इसको वापस से बोला है, इसे एरिया ऑफ फ्री एक्टिविटी भी बोलते हैं। जो क्वाड्रेंट फर्स्ट है जोहारी विंडो का, उसको हम एरिया या ओपन एरिया के बारे में अगर हम लिखे, तो इसे फ्री एरिया ऑफ फ्री एक्टिविटी भी बोलते हैं। जैसे कि भाई जो मुझे सामने से सबको दिख रहा है, जैसे मेरी परसेंटेज मार्कशीट है वो सबको दिख रही है, मेरी फीलिंग, इमोशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स, व्यू, ये सब मैं भी जानता हूँ मेरे बारे में और लोग भी जानते हैं। ठीक है, जो इजी चीजें हैं, मेरी आदतें हैं। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट का मतलब होता है कि व्हाट इज नाउन अबाउट ए पर्सन बाय अदर्स, मतलब कि बट इट इज अननाउन बाय द पर्सन हिमसेल्फ, मतलब मेरे बारे में मैं नहीं जानता लेकिन लोग जानते हैं। ठीक है, बार बार इन चीज को मैं बोलूंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बस आप ये ध्यान रखो, ब्लाइंड स्पॉट मतलब कि मैं अंधा हूं मेरी आदतों के बारे में, मेरी चीजों के बारे में, मतलब लोग जरूर जानते हैं। मान लीजिए कि मेरे अंदर एक बहुत ही खूबी है, कैपेबिलिटी है, जैसे मुझे आपने ऑब्जर्व किया और आपने देखा कि यार, जैसे अपन एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं जिसे आपको नींद नहीं आए। मान लीजिए एक लड़की है जो इतनी खूबसूरत दिखती है कि भाई 10 लोग उसकी तारीफ करते हैं, मगर वो खुद सोचती है कि यार मैं कितनी बदसूरत हूँ, मुझे तो अभी बहुत ज्यादा मेकअप की जरूरत है, मुझे तो ये करना चाहिए, ये मैं उसके जैसी क्यों नहीं दिखती। दैट्स ऑल थिंग, ये ब्लाइंड स्पॉट है उसके लिए। एग्जाम्पल बस थोड़ा सा फनी है। अगला है हिडन एरिया। हिडन एरिया का मतलब होता है व्हाट इज नोन टू अवर सेल्वेज बट कैप्ट हिडन फ्रॉम एंड देयर फॉर अननाउन टू अदर। मान लीजिए मेरे अंदर कोई टैलेंट है, मैं बचपन से चाहता हूँ कि मैं एक पियानो बजाऊं, ठीक है, और मुझे पियानो अच्छा भी आता है, लेकिन मैं पियानो अकेले में रात को 12 बजे बजाता हूँ और कोई भी उसे देख नहीं पाता है, तो किसी को भी नहीं पता है कि मैं पियानो बजाता हूँ। वैसे बजाता नहीं हूँ, बस ऐसे ही एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ, तो ये हिडन एरिया है। ठीक है, और चौथा ऐसा एरिया होता है जो ना मैं मेरे बारे में जानता हूँ ना लोग मेरे बारे में जानते हैं। मान लीजिए मैं बहुत बड़ा 30 मार खा हूँ, ये मैं भी नहीं समझता अपने बारे में और लोग भी नहीं समझते। ठीक है, तो ये बड़ा इजी सा मॉडल है, और ये इस तरीके से है। बस अभी ये एंड होने वाला है अननाउन फैक्टर से, देख लिए। और ये अननाउन फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब जो लोग भी नहीं जानते हैं, तो यही तो है जो हमें किसी इंसान से बाहर निकालने। जैसे मान लीजिए कि कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई कॉन्फिडेंस, कोई ट्रेनिंग, या फिर कोई एबिलिटी या एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक स्किल। ठीक है, कोई डर है उसके अंदर, और या फिर कोई रिप्रेस्ड चीज़ है, या सबकॉन्शियस फीलिंग है, या फिर कोई कंडीशनल बिहेवियर या एटीट्यूड है चाइल्डहुड से, जो मैं भी नहीं जानता मेरे बारे में और ना लोग जानता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
एग्जाम्पल खतरनाक नहीं है, ये मॉडल ही खतरनाक है। लेकिन कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं इस जोहारी विंडो मॉडल के कुछ ड्रॉबैक है। ये ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है कि कुछ ना कुछ इसकी कमियां हैं, कि हर चीज हम लोगों को नहीं बता सकते। मेरी हर बात मैं लोगों को क्यों बताऊं? क्यों मैं एक खुली किताब की तरह बनना बेहतर करूं जब मुझे एक बंद किताब बनना बेहतर है? मतलब कहते हैं कि अक्सर बंद किताबों में जाले लग जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बातें मैं फालतू कर रहा हूँ। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें होती है जो बताने की नहीं होती है, कुछ चीज़ें होती है जो बता दे तो लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो जमाना हंसेगा। इसलिए ये ड्रॉबैक हो गया जोहारी विंडो मॉडल का। जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि सम पीपल्स में रिएक्ट नेगेटिवली। आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम बताओगे और लोग हंसने लग जाएंगे, लोग कहेंगे वाह यार तेरे साथ तो ये हो रहा है। सम पीपल में पास द इंफॉर्मेशन। अब जैसे आपने किसी को चीज बताई है और वो किसी और को बताएगा, तीसरे को बताएगा, भाई उसको तो ये है, उसके साथ तो ये है। सम थिंग्स आर परहैप्स बेटर नॉट टू कम्युनिकेट। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो नहीं बताई हुई अच्छी होती है। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत ही एक पागल इंसान हो, अब लोग नहीं जानते हैं, आप जानते हो, तो आप लोगों को क्यों बताओगे भाई मैं पागल हूँ, है ना? तो ऐसा थोड़ी करोगे। अगला है कि सम कल्चर्स, कुछ ऐसे कल्चर्स भी होते हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें हैं वो मानी नहीं जाती है कि भाई आप अपनी आदतें किसी और को बताओ। तो ये जोहारी विंडो मॉडल है, ये इसके कुछ ड्रॉबैक है। इसी के साथ ये कंक्लूजन है, ये आप लिख के आ सकते हो, या यहीं से आपका ये जो जोहारी विंडो का टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। देखते हैं कितने मिनट में, 21 मिनट में ये ख़त्म हुआ है गाइस। मैं एवीएट्स कैसे पढ़ाऊंगा आप देखिए। अब फास्टली अपन आगे चलते हैं, ठीक है? अब एविएट्स का टॉपिक आ गया है। मैं देखिए आपको बता दूं, ये प्यारी सी जो स्लाइड आपको दिख रही है एविएट्स की, इसको आप पढ़ सकते हो अगर आपको मेरे नोट्स और मेरी राइटिंग है वो समझ में नहीं आए तो, ठीक है? ये प्यारी सी स्लाइड है ये, ओके? वरना फिर मैं देखिए आगे चल रहा हूँ आपके लिए, जहाँ से मेरे जो नोट्स है वो चालू होंगे। और मेरे नोट्स बड़ी ही गंदी राइटिंग में है, बहुत गंदी राइटिंग में है, तो आप इनको सहन कर लोगे तो मैं आपको मानूंगा कि भाई आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है। तो एविएट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो एविएट्स की फुल फॉर्म होती है ऑडियो विजुअल एड्स। पहले मैं आपको सरल भाषा में समझा दूं, ये जितने कितने भी बोर्ड है, पैम्पलेट होते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का प्रोजेक्टर है आपकी, किसी भी तरह का ऐसा प्रेजेंटेशन की स्लाइड है, ये सब चीज़ें किस में आती है? एविएट्स में आती है। ये सब चीज़ें किस में आती है? एविएट्स में। ये कुछ चीज़ें होती है जिनको हमें सिर्फ सुनना होता है, कुछ चीज़ें होती है जिनको हम देख सकते हैं। तो ऑडियो एड्स का मतलब होता है कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्शनल डिवाइस। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जो इंस्ट्रक्शन देता है, भाई तुझे ये करना है ये करना है। तो कोई भी ऐसा डिवाइस जो सिर्फ सुना जाता है, देखा नहीं जाता है, तो उसे ऑडियो एड्स कहते हैं। जैसे आप रेडियो को देख लो, एक होता है विजुअल एड जिसको हम देख भी सकते हैं, और लेकिन सॉरी विजुअल एड्स है ना, सॉरी विजुअल एड्स का मतलब होता है ऐसा कोई इंस्ट्रक्शनल डिवाइस जिसे हम सुन नहीं सकते, बस देख सकते हैं। जैसे स्लाइड होती है ना, उसको सुन थोड़ी सकते हैं, अगला देखिए, लेकिन आप मुझे देख भी सकते हो, आप मुझे सुन सकते हो, मैं एविएट्स हूँ। अब तीन डेफिनेशन, दो तीन डेफिनेशन है। प्यारा प्यारा बर्तन की डेफिनेशन देखते हैं। ये बर्तन है लेकिन मैं इसको बर्तन बोलूंगा, क्योंकि ये क्या बोलता है कि एविएट्स आर दो सेंसरी ऑब्जेक्ट और इमेज विच इनिशिएट और स्टिमुलेट और री इन्फोर्स लर्निंग। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है? क्या होता है कि एविएट्स वो सारी चीज़ें हैं, वो सारे सेंसरी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये भाई हम सुनेंगे, सेंसरी ऑर्गन काम करेंगे, हम देखेंगे, सेंसरी ऑर्गन आई काम करेगी, तो ये सेंसरी ऑब्जेक्ट या इमेज होती है जो लर्निंग को बढ़ावा देते हैं, उसको री इन्फोर्स करते हैं, उसको जगाते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं, उसको इनिशिएट करते हैं। भाई जैसे आप जैसे ही मेरे लाइव वीडियो पे जाते हो, आपका पढ़ने का मन करता है ना, तो पढ़ने का मन करता है मतलब मैं आपकी लर्निंग को स्टिमुलेट कर रहा हूँ, रीइन्फोर्स कर रहा हूँ, तो ये एक तरह का सेंसरी ऑब्जेक्ट है। आप मेरे मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, आपके कान दर्द हो रहे हैं, ठीक है, फिर भी आप सुन रहे हो, तो वो लर्निंग को, यही तो बर्तन की डेफिनेशन है। अगली कार्टर वेरी गुड, कार्टर वी गुड है ना। एविएट्स वो एड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं कंप्लीटिंग द ट्राइंगुलर प्रोसेस ऑफ लर्निंग। फिर से मोटिवेशन स्टिमुलेशन क्लासिफिकेशन, MSC एविएट्स वो डिवाइस होते हैं जो हमें MSC करवाते हैं। मोटिवेशन स्टिमुलेशन और क्लासिफिकेशन, इन चीज़ों को, ये जो ट्राइंगुलर प्रोसेस है लर्निंग की, मोटिवेशन स्टिमुलेशन और क्लासिफिकेशन, इसको इम्प्रूव करते हैं, इसको इनिशिएट करते हैं।
तीसरी है किंडर और जेम्स की डेफिनेशन, मतलब कि एविएट्स ऐसे डिवाइस होते हैं जो लर्निंग एक्सपीरियंस को मोर कंक्रीट, कंक्रीट का मतलब होता है रियलिस्टिक, ठीक है, मोर रियलिस्टिक और मोर डायनेमिक बनाते हैं। डायनेमिक का मतलब होता है अपने हिसाब से जैसे हम। अब देखिए पर्पज ऑफ एविएट्स, इसको याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक स्पेशली एक वीडियो में बता रखी है कि सीईटी को किस प्रकार से याद किया जाता है। तो पर्पज क्या होते हैं एविएट्स के, उसी को ट्रिक को ही मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ ताकि आपको पर्पज याद हो जाए। जैसे देखिए जो टीचर होता है, एक टीचर है हमारे सामने, वो मैक्सिमस ऑफ टीचिंग का उपयोग कर रहा है और लोगों को मोटिवेट कर रहा है। जैसे एक हम एक कहानी बना रहे हैं ना, और इस कहानी से सारे एविएट के पर्पज याद करवा रहा हूँ मैं आपको कि भाई एक हमारे सामने एक टीचर है, वो मैक्सिमस ऑफ टीचिंग का उपयोग करता है और मोटिवेशन देता है हर एक बच्चे को, और वो अपनी एनर्जी और टाइम को सेव करने के लिए उसने एक एंटीडोट या फिर एक ऐसी मशीन बनाई, एंटीडोट बनाया जो एट्रैक्शन खींचता है। मतलब कि आप सोचिए एक तरह की जो एआई फीचर में, जैसे आपने वो देखी होगी तेरी बातों में उलझा जिया, उसमें जो ये कृति सेनन एक रोबोट होती है, उस टाइप का एक रोबोट बनाया जो एट्रैक्टिव दिखता है, रियलिस्टिक दिखता है ना, और उसमें विविधनेस और विकारियस एक्सपीरियंस आता है, देखते ही लगता है क्या बात है भाई। देन ये पैसिव ट्रांसफर करता है, रीइन्फोर्स करता है लर्निंग को। अरे भाई कृति सेनन कुछ भी बोल रही है, आप तो बस पैसिव ट्रांसफर हो रहा है लर्निंग का, रीइन्फोर्स कर रहा है लर्निंग को, आप तो बस सीखना चाहते हो। अगर वो आपको भाई पीएचडी करवा दे तो आप पीएचडी भी कर लोगे। और फिर उस चीज को देख करके हायर जो फैसिलिटीज है भाई, जो दूसरे आपके कॉलेज के बच्चे थे या जो दूसरे टीचर थे, उस टीचर से जलते थे, वो हायर फैकल्टीज जो थे उन्होंने क्या किया कि उस कृति सेनन को पूरे एजुकेशन मीडिया पे फैला दिया। तो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन ऑन मास स्केल, ठीक है, तो मास स्केल पे उसको फैला दिया, तो फिर उससे क्या हुआ कि उसकी हेल्थ पे इम्पेक्ट पड़ा, डिसिप्लिन है वो खराब हो गया कि भाई लोग आने लग गए कृति सेनन को देखने के लिए कि भाई ऐसा क्या बना है, ठीक है। अब ये जो ट्रिक है, इससे मैंने पर्पस याद किए थे, वो आपको मैं बता देता हूँ। मैं बड़ी फर्जी ट्रिक बनाता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए पहला रियलिज्म, रियलिज्म का मतलब रियल दिखता है, हमने देखा था ना कृति सेनन एकदम रियल दिखती है, वेराइटी है ना, यहाँ पे विविध और विकारियस एक्सपीरियंस मिलते थे, क्लियर इमेजेस, ठीक है, आप देखते हो भाई स्लाइड वगैरह में जैसे कृति सेनन ने पढ़ाया एकदम क्लियर इमेज बन रही थी। एंटीडोट टू द डिजीज ऑफ वर्बल इंस्ट्रक्शन, जो बोल बोल के बकते हैं, बकते रहते हैं, बकते रहते हैं, उनकी वजह से जो बोरियत फील होती है उसका ये एंटीडोट है। हमने यही पढ़ा था ना अभी ट्रिक में कि भाई उस टीचर ने एक एंटीडोट बनाया था। और न्यू लर्निंग है उसको फिक्सअप करता है, टाइम और एनर्जी को सेव करता है, अट्रैक्शन करता है, अटेंशन लाता है भाई, कृति सेनन को देखते ही सब अट्रैक्ट हो रहे हैं, अटेंसिव हो रहे हैं, मोटिवेशन दे रहा है भाई, पढ़ते पढ़ते पीएचडी कर दी, रिटेंटिव, कृति सेनन ने बस एक बात क्या बोल दी भाई आपको पूरी जिंदगी याद है, बेस्ड ऑन मैक्सिमस ऑफ टीचिंग, वो जो टीचर था हमें पढ़ाने आता था वो मैक्सिमस ऑफ टीचिंग से पढ़ाता था, विकारियस एक्सपीरियंस देता था, फ्रीडम है भाई, आजादी है, अपॉर्चुनिटी टू हैंडल और मैनिपुलेटिव, आप कैसे भी उसको भाई, आप कृति सेनन को कुछ भी काम करवा लो कैसे ही हैंडल करवा लो, मैनिपुलेटिव है ना। देन विविधनेस, विविधनेस का मतलब अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस। देन मीटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, भाई हर के साथ अलग अलग डिफरेंस होता है, भाई मान लीजिए मेरे दोस्त को स्लाइड पे पढ़ना बेटर नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है, तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो देख सकते हैं। स्प्रेडिंग ऑफ एजुकेशन ऑन मास स्केल्स, हम बड़े समय आज मैं आज भाई देखिए मास स्केल का मतलब होता है, अब देखिए आज भाई मैं 20 जनों को पढ़ा रहा हूँ, अब अगर यही चीज मेरे पास, मेरा जूनियर आता है एक जने को पढ़ाता तो एक की जगह मैं 20 को पढ़ा रहा हूँ और इस क्लास के बाद भी तो लोग देखने वाले हैं। जो डेवलपमेंट ऑफ हायर फैकल्टीज, मतलब इससे क्या होता है कि एकदम टेक्निकल कॉम्पिटेंसी आती है, मतलब कि टेक्निकली जो सफिशियंट टीचर होते हैं वो आते हैं। भाई आप सोचो आपकी 80 साल की मैडम है वो यूट्यूबर हो, कितना मजा आ जाएगा। पैसिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड ट्रेनिंग, लर्निंग का पैसिव ट्रांसफर होता है, ठीक है, री एनफोर्समेंट टू लर्नर, भाई एक री एनफोर्समेंट मिलता है, बाकी साइंटिफिक टेम्पर है वो बढ़ता है। आप देखिए भाई कृति सेनन ने एआई की थी, एआई के जमाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने की थी। एनकरेजमेंट ऑफ हेल्थ क्लासरूम अटेंशन, मतलब जो अटेंशन है वो बढ़ता है, कृति सेनन एक क्लास क्या ले ले भाई तुम्हें सारा याद हो जाएगा, तो ये पर्पज है जो आपको याद होने चाहिए। अब एविएट का क्लासिफिकेशन आता है, ब्रॉडली हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड एड, ठीक है। प्रोजेक्टेड के अंदर आता है फिल्म स्ट्रिप्स, ओपेक प्रोजेक्टर या ओएचपी, ओएचपी का मतलब होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। सबस्टांस एब्यूजर ने बात लिखी है,
एबीसी आईडी अपडेट फिल्म ने शो नहीं हो रही है, पर इसमें शो हो रही है, क्या करूं? अगर कुछ भी नहीं हो रहा है एक बार प्रिंसिपल सर से जाके बात करो अपने, वहां से अगर कुछ बात नहीं बनती यूनिवर्सिटी में मेल करो वहां पे, और ई मित्र किसी अच्छे ई मित्र वाले पे जाओ, एक दूसरे से मतलब दूसरे पे चले जाओ, क्या पता वहां पे हो जाए, ठीक है? क्योंकि वो सिचुएशन बार बार देखेंगे तभी पता लगती है। अगला देखिए गाइज, नॉन प्रोजेक्टेड एड है, उनका क्लासिफिकेशन देखना है, ठीक है? आप अभी मैसेज टाइप मत करो, ये स्क्रीन है वो इंटरप्ट हो जाती है। नॉन प्रोजेक्टेड एड में देखिए आपको 6 क्लासिफिकेशन देखने को मिलेंगे। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, हर बार एग्जाम में आता है, ठीक है? इसलिए मैं देखिए ये आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे 4 है। तो पहले मैं ये जो 4 है इनको इनको बता देता हूँ। तो पहला आता है गाइज ग्राफिक एड्स। ग्राफिक एड्स में आते हैं चार्ट, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, मैप, पिक्चर, फ्लिप कार्ड, कार्टून, कॉमिक, डायग्राम। इन सब को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? कोई भी छोटी सी ट्रिक है वो याद कर लो। अगला देखिए डिस्प्ले एड में आते हैं ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, पैड बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड। जितने कितने भी बोर्ड है वो सब डिस्प्ले बोर्ड में आते हैं, ठीक है? और इसको ट्रिक करने इसकी ट्रिक मैंने बताई थी, बीएफ की बीपी मैग्नेटिक है, ठीक है? बॉयफ्रेंड की बीपी मैग्नेटिक है। देन थ्री डी मॉडल में हमने बताई थी कि मॉडल, पपेट्स, ऑब्जेक्ट्स, डायग्राम्स, स्पेसिमेन, मॉकअप्स, ये सब 3D एड्स होते हैं, ठीक है? जैसे भाई आप कोई मॉडल है वो चारों दिशाओं से देख सकते हो, है ना? पपेट्स से ऑब्जेक्ट्स, डायग्राम होता है, ठीक है? स्पेसिमेन होते हैं, ठीक है? इनको याद करने के लिए MMPSDS, ठीक है? सॉरी MMPSDO, ठीक है? तो ये था, ये ट्रिक है जो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बना रखी थी। अगली है एक्टिविटी एड। एक्टिविटी एड का मतलब होता है कुछ एक्टिविटी करके दिखाना, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया आपने, कहीं घुमाने ले गए, फील्ड ट्रिप करवा दिया, कोई एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हो, ठीक है? और देन एग्जीबिशन है वो कर रहे हो, ठीक है? कहीं म्यूजियम में चले गए, म्यूजियम की स्पेलिंग गलत लिखी है देने, तो म्यूजियम है वहां पे चले गए, तो ये सब है। और इसको याद करने के लिए सिंपल सी ट्रिक है MDF, है ना? MDF। देन ऑडियो एड्स पे आते हैं रेडियो, रिकॉर्डिंग, टेप रिकॉर्डर, टीवी। देन प्रिंटेड एड्स में आते हैं बुकलेट, पैम्पलेट और लीफलेट, ठीक है? BPL, इजी है ये, ठीक है? और ये RRTT, रेडियो, रिकॉर्डिंग, टीवी, टेप रिकॉर्डर, ठीक है? ये सारे हैं। आगे चलते हैं गाइस, ये क्लासिफिकेशन याद कर लेना, बहुत 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 ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है? अगला देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग एड। एक अच्छा टीचिंग एड क्या होता है भाई? वो जो मीनिंगफुल हो, कुछ ना कुछ उसका मतलब निकले। दूसरा जो पर्पजफुल हो, कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य हो, ठीक है? एक्यूरेट हो, मतलब ऐसा नहीं है गलत पढ़ा रहे हो, सिंपल हो। अगला है चीप, ये चीम नहीं है, चीप है, सस्ता हो। पता चला 1 लाख में स्मार्ट बोर्ड आता है और बच्चा भाई लेके आया, ठीक है? वो नहीं होना चाहिए। इम्प्रोवाइज हो, मतलब इम्प्रोवाइज का मतलब है कि इजीली भाई यहाँ पे अप टू डेट हो, और इम्प्रोवाइज का मतलब होता है भाई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो। जैसे भाई हर बार विंडो के अंदर बदलाव आता रहता है ना, वैसे लार्जर इन साइज, थोड़ा बड़ा हो, पता चला भाई दिख ही नहीं रहा है, ठीक है? इजीली पोर्टेबल कैरीड, आसानी से ले जा सके। जैसे भाई कंप्यूटर होता है उसको अपन कहीं ले जा नहीं पाते, लैपटॉप को या फिर टैब को कहीं पे भी ले जा सकते हैं, ठीक है? और अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ एजुकेशन मटेरियल, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। पता चला कि भाई कुछ ऐसी चीज पढ़ा रहे हैं जो समझ में ही नहीं आती, इसलिए हम नर्सिंग वालों को स्लाइड कम समझ में आती है, लेकिन स्लाइड बहुत अच्छा जरिया है पढ़ने का। मोटिवेट्स द लर्नर, लर्नर को मोटिवेट करे, पढ़ के ऐसा नहीं हो डिप्रेशन आ जाए। तो ये एक अच्छे एविएट की खासियत होती है कि भाई जैसे आप ये सोच के चलिए कि जो मीनिंगफुल हो, पर्पजफुल हो, एक्यूरेट हो, सिंपल हो, चीप हो, इम्प्रोवाइज हो, बड़ी साइज में हो, अप टू डेट हो, ठीक है? इजीली पोर्टेबल, आसानी से उसकी कहीं एक दो पिन हो, इससे ही लग जाए, मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग हो, और वो लर्नर को मोटिवेट करें। और इसकी इसकी ट्रिक यहाँ पे मैंने बनाई थी, ठीक है? कि MCPAS मेंटल मैपल, और इसमें आपके जो सारे वर्ड्स है शुरू के वो कवर हो जाते हैं। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, एविएट्स के प्रिंसिपल। तो पहला आता है प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्शन का मतलब होता है कि आपको ऐसा एविएट सेलेक्ट करना है जो सूटेबल हो, ठीक है?
मतलब कि आपके एज लेवल के हिसाब से, लेवल ऑफ लर्निंग के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, मोटिवेशन के हिसाब से सही हो। दूसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन, मतलब कि टीचर शुड रिसीव सम ट्रेनिंग इन प्रिपरेशन ऑफ। पता चला हमारी मैडम को तो प्रोजेक्टर चलाना ही नहीं आता है, ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन। कभी भी एविएट्स आता है तो भाई ये होना, एविएट्स ऑफ हैंडलिंग, भाई पता चला आप ऐसे कॉलेज में बैठे हो जहाँ पे प्रोजेक्टर फटा हुआ टूटा पड़ा है, क्योंकि आपको भाई उसको हैंडल करना पड़ेगा। अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि भाई केयरफुली विजुअल हो। अंधेरे कमरे में प्रोजेक्टर दिखाया जाता है ना, प्रोजेक्टर अंधेरे कमरे में चालू किया जाता है। पता चला खुले गार्डन में प्रोजेक्टर चला रहे हो, कुछ दिख तो नहीं रहा है लेकिन आसपास की हवा जरूर चल रही है, वो दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है, बस प्रोजेक्टर ही नहीं दिख रहा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये कोमल मीना अब आके पूछ रही है कि डेट शीट कब आएगी। जैसे मैं यूनिवर्सिटी में बैठ कर डिसाइड करता हूँ कि भाई लो भाई अब एग्ज़ाम करवा देता हूँ और ये वो बात है, और ये लो भाई एग्ज़ाम के फॉर्म तुम्हारे आगे हैं और एग्ज़ाम फॉर्म मैं ही रिसीव कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। 15 तारीख कितनी बार तो बता चुका हूँ कि भाई एक्सपेक्टेड डेट है। अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ रेस्पॉन्स। हमेशा भाई कुछ ना कुछ टीचर गाइड्स स्टूडेंट टू रेस्पॉन्ड एक्टिविटी, कुछ ना कुछ जो एक्टिविटी हो रही है उसके प्रति टीचर है वो रेस्पॉन्डेंट होना चाहिए। अगला है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, पढ़ाई होनी चाहिए एविएट से। पता चला प्रोजेक्ट पे फिल्में देख रहे हो आप, ऐसा नहीं हो सकता है ना। आप आपकी एजुकेशन पर्पज से लिया है तो एविएट्स उसको फिलफिल करना चाहिए। अगले कुछ है ना अदर प्रिंसिपल भी है, जो मेन प्रिंसिपल है वो सब तो आ गए। अगला देखिए प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन, आपको क्या है, ऐसा होता तो मजा आ जाता हमें रियली, ठीक है। देखिए दुआ कीजिए फ्यूचर में रजिस्ट्रार बन जाऊं, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर बाद में देखा जाएगा। इंटीग्रल पार्ट ऑफ द, अभी कोई यूनिवर्सिटी वाला देख रहा होगा तो कहेगा भाई किसको कल पकड़ के लाओ यूनिवर्सिटी में, प्रिंसिपल के सामने पेश करो। देखिए हमेशा जो आपका एविएट्स है, कोई बात नहीं कोमल मीणा, हाँ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। देखिए कहीं आपके कॉलेज का पार्ट होता है भाई एविएट्स, प्रोजेक्टर वगैरह लाना, ये सब इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, ठीक है। प्रोग्राम सेंट्रलाइज होना चाहिए, मतलब कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, एक लीडरशिप में होना चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन, कई बार भाई एक अलग से कमेटी होती है कि भाई ये एविएट्स को संभालेगी। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होने का मतलब होता है कि सर जी एमएलएस वाला पीआर भी थोड़ा सा ध्यान देती, एमएलएस मतलब समझ ही नहीं आया आपने क्या बोला। अगला देखिए सिलेक्शन और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ वरना आपको दिखाया क्या नहीं। आपको बहुत ही अप्रोप्रिएट है वो एविएट सेलेक्ट करना है, उसको ढंग से कोऑर्डिनेट करना है, फ्लेक्सिबल रहना है, मतलब कि भाई जैसा जैसा चाहिए वैसा एविएट्स आ जाए अपने पास। अगला भाई कई बार चार्ट से काम चल जाता है, कई बार हमें ऑडियो एड्स लाने पड़ते हैं, कई बार प्रोजेक्टर का यूज करना पड़ता है, कई बार बुलेटिन बोर्ड वगैरह इनका यूज करना पड़ता है। बजट में हो, पता चला कि एवी एड्स खरीद के कंगाल हो गए। अभी जैसे मैं स्मार्ट बोर्ड लेकर आ जाऊँ, पता चला पवन बोस कर्जे में, हाउ टू यूज, हमें ये पता होना चाहिए कि उसको उपयोग में कैसे लेना है। रेगुलरिटी भाई रेगुलर होना चाहिए हमें, है ना, लीगल एस्पेक्ट है उसको फॉलो करना चाहिए। अगला है सेंट्रली लोकेटेड होना चाहिए, ताकि भाई बच्चे हैं वो सब ये समझे कि भाई अपना ये जो प्रोजेक्शन रूम है वो सब है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए, बड़े अच्छे से उसको यूटिलाइज करना चाहिए। इवैल्यूएशन होना चाहिए, कहीं से भी आपको प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर पे पढ़ाया है, कोई स्लाइड व्लाइड दिखाई है तो एंड के अंदर ये आपको समझ में आना चाहिए कि भाई आपने क्या पढ़ा है, ठीक है। अगला देखिए सोर्स ऑफ एविएट्स, क्या क्या हो सकता है। एक तो जैसे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या करती है, जगह जगह पे पन्ने बांटती है, पर्चे बांटती है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन के जरिए, है ना। गवर्नमेंट भाई कई जगह ये पर्चे बनाती है, स्कीम के बोर्ड लगाती है बड़े बड़े, है ना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे IIHMR, ये IIHMR अपने जयपुर की एक यूनिवर्सिटी है मैनेजमेंट की। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं प्रोफेशनल, कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एनजीओ होते हैं, वो सब अपना अपना कुछ लगाते हैं, जैसे अनस्टॉपेबल हो गया, ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन हो गए, जैसे WHO, है ना, कमर्शियल मार्केट्स, ये सब। देख आगे देखिए कुछ इन एविएट्स के डिसएडवांटेज भी होते हैं, मतलब कि क्या होता है कि हमारे पास ऐसी फैकल्टीज नहीं होती है जो ट्रेनिंग करवा रही हो। कई बार लाइट चली जाती है,
सेलेक्शन ढंग से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी देर का लेक्चर और है, थोड़ी सी हिम्मत बना के रखिएगा। ठीक है, फाइनेंशियल हर्डल्स, पैसे संभलते नहीं है, इनफेक्टिवनेस, हम वो नहीं कर पाते जो हमें चाहिए। आगे ये एक बार मैसेज देख लेता हूँ, आगे फिर चॉक बोर्ड वगैरह है, सिंपल ही है। मेडिकल लाइफ साइंस कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट करवा, वापस लिखिएगा इस, एक छोटा सा मैसेज वापस ड्रॉप करो। आगे गाइस देखिए, चॉक बोर्ड वगैरह है, ये तो बड़ा इजी है, ये ज़्यादा पूछते भी नहीं है वैसे चॉक बोर्ड। मेडिकल लैब साइंस का कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट करवा दीजिए, आपका बताया हुआ पेपर यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफ़ी हेल्प, इसलिए कभी कभी MLS वालों पे भी ध्यान दीजिए। मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूँ वो नर्सिंग वालों, सब नर्सिंग के काम आ जाते हैं। ठीक है गाइस, ये चॉक बोर्ड वगैरह बड़ा ईजी है, आप इजीली पढ़ लोगे, है ना। अब देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ एवीएट्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखिए एवीएट्स क्या करते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज आते हैं, और इनका बड़ा ही सिग्निफिकेंस है, बड़ा ही महत्व है। ये टीचर्स के लिए भी काफ़ी यूजफुल रहते हैं और लर्नर्स के लिए भी होते हैं, क्योंकि इसमें हम मल्टीपल सेंसेस का यूज़ करते हैं। देखिए भाई, हम सुनते भी है, देखते भी है, तो लर्निंग है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, साइंटिफिक एटीट्यूड या टेक्निकली हम एफिशिएंट बनते हैं, मैक्सिमस ऑफ टीचिंग पे बेस्ड होता है, अटेंशन सीकिंग होते हैं, मतलब हमारा अटेंशन ज़्यादा जाता है, प्रोजेक्टर पे कुछ भी आप दिखा दो भाई बढ़िया लगेगा। ठीक है, अगला देखिए, एक मोटिवेटिंग फोर्स की तरह काम करता है, इनडिसिप्लिन नहीं आता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई इंटरप्ट करेगा, जो इंडिविजुअल डिफरेंस रिक्वायरमेंट है उनसे वो मीटअप करता है, एनर्जी है और टाइम है वो सेव करता है, कई सारी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, उनमें क्लियरिटी आती है, कुछ चीज़ें होती है ना जो हमें पिक्चर से ही समझ में आ जाती है। ठीक है, देन नीड, सर BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का साइकोलॉजी का पूरा चैप्टर का रिवीजन वीडियो बना दो ना प्लीज सर, कोशिश करते हैं, अभी तो मेरे खुद के एग्जाम है, मैं क्या करूँ बताओ। ठीक है, देखिए ये नीड वगैरह इतना नहीं पूछा जाता है, ये पूछा जाता है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ एवीएट्स, एक एवीएट्स का सिलेक्शन कैसे करते हो। तो देखिए, सबसे पहले कि सब्जेक्ट रिलेटनेस, मतलब कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए चाहिए। जैसे मान लीजिए भाई आपको फार्मा पढ़ानी है, तो फार्मा के लिए ज़्यादातर तो स्लाइड्स वगैरह का यूज़ करते हैं। सप्लीमेंट्री रोल, मतलब कि मेन एजुकेशन तो है ही है, साथ ही साथ उसका एक सप्लीमेंट्री रोल भी होना चाहिए। एसेसिबिलिटी, आराम से एसेस हो, एक्यूरेट हो, है ना, एक्यूरेट हो, ऐसा नहीं हो गलत पढ़ा रहे उस पर। वेराइटी हो, मतलब कि आप अलग अलग तरह के एवीएट्स से उनका यूज कर सकते हो, पैसों के हिसाब से कॉस्ट इफेक्टिव हो, सस्ता हो। यूटिलिटी पूरी हो, प्री व्यूइंग हो, मतलब आप पहले से ही उन चीज़ों को देख सको। बाद में गाइज एक बुलेटिन बोर्ड आता है, बुलेटिन बोर्ड छोटा सा 4 नंबर का सवाल पूछा जाता है, आपको नोट्स भेज दिए हैं, इसको आपको देख लेना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो यहाँ बुलेटिन बोर्ड है, देन वन बाय वन जैसे ये जितने कितने भी एड्स है उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन दिया है। अगर 16 नंबर का सवाल आता है तो आपको बड़ा इजीली समझ आ जाएगा। जैसे प्रोजेक्ट एड क्या होता है, जिसमें एक मशीन होती है जो पिक्चर दिखाती है, आपको सिंपली ये याद रखना है ना, जैसे प्रोजेक्टर होता है ना वो, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा प्रोजेक्टर में क्या क्या होता है। इसके बारे में फालतू बातें सब लिख रखी है, आपको बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। एक ओपेक प्रोजेक्टर होता है, ठीक है, जो ओपेक मटेरियल होते हैं जैसे शाइनिंग ब्राइट लैंप वगैरह, उन सब से बताता है एविएट्स। ठीक है, मिरर प्रिज्म ये सब होते हैं, लेंस वगैरह होते हैं, ठीक है, इनसे सारा काम होता है। स्लाइड क्या होती है आपको समझ में आता ही होगा, ठीक है, स्लाइड वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, देन ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है कि मोस्टली हम सारे ही एविएट्स में यूज करते हैं, जिसमें जो टीचर है वो लिख भी सकता है, कोई डायग्राम है वो भी ड्रॉ कर सकता है। अरे छत्तीसगढ़ जी, हम कोशिश करेंगे, और साइकोलॉजी के वीडियोस अपने चैनल पर अमित सर ने और हमारे जूनियर्स ने पढ़ा रखे हैं, तो आप वहाँ से देखिए। हाँ जी, लगभग लगभग अपना टॉपिक ख़त्म हो गया है, तो 5 मिनट आप और रुक जाइए, फिर आपसे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातचीत है वो कर लेते हैं। ठीक है, नॉन प्रोजेक्टेड एड है, इनके बारे में बता रखा है मैंने बाद में, जैसे देन एजुकेशनल मीडिया है थोड़ा बहुत समझा रखा है, वैसे ये नहीं आता। ठीक है, ये आपका जो सारा टॉपिक है ये हो रखा है, इसकी PDF आपको बड़ी इजीली हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अब गाइज अगर आपका कुछ टॉपिक है तो वो मैं बता दीजिए, 14 लोग जुड़े हुए हैं अभी भी टिल एंड तक, काफ़ी अच्छी बात है। और ये अगर वीडियो आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। सेकंड ईयर के फॉर्म में फर्स्ट ईयर की डिटेल्स में पार्ट 1 की जगह पार्ट 2 आ गया, करेक्शन कैसे होगा। संदीप जागरवाल जी,